गुड आफ्टरनून गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि GoPro की बैटरी ख़त्म हो गई है और बैटरी एक्स्ट्रा है, बट चेंज करने की हिम्मत नहीं है बिकॉज अभी 17,500 फीट पे हैं। अभी देख ले, थोड़ी सी स्नो है यहाँ पे, सच पास से तो कमी है लेकिन हाइट उससे 2,500 ज़्यादा एक्स्ट्रा है। तो बस अब हम आगे चल ही रहे, देखिए बादल कितने सुंदर लग रहे हैं, बेहतरीन एकदम। लैंड ऑफ हाई पासेस इसलिए बोलते हैं इसे क्योंकि सच में बहुत हाइट पे है भाई। वेलकम बैक टू द चैनल। हम ओप्शी पहुंचने वाले हैं, ओप्शी जहाँ पे हमारा रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा और आरटीपीसीआर चेक किया जाएगा। नेटवर्क बीच में आ गया था पीछे रूम से में और मैंने घर पे कॉल कर लिया तो सब कुछ सेफ है। और मॉम वॉज वेरी वरीड बट शी इज़ नॉट वरीड नाउ। एंड बहुत ही अमेजिंग है, नदी के साथ साथ रोड चल रहा है। बस 5 किलोमीटर में ओप्शी पहुंच जाएंगे। विंड ब्लास्ट बहुत आ रहा है तो हो सकता है आवाज़ कट कट के आ रही। और बाकी सच बता रहा हूँ गाइस, माय प्लान इज चेंजिंग नाउ। मैं इस रास्ते से वापस नहीं जाऊँगा भाई साहब, वो बहुत ही डेंजर रास्ता है। रास्ते में इतनी ठंड भाई साहब, मतलब AMC कभी भी हिट कर सकता है। मुझे तो नहीं करा एक बार भी लेकिन मैं रेस्ट नहीं लूँगा भाई। ये वेलकम टू लेह का बोर्ड आ गया गाइस, ये देख लीजिए आप। स्टे ट्यून्ड गाइस, स्टे ट्यून्ड। बहुत मेहनत लगी है भाई, लेह मनाली हाईवे नॉट अ जोक मैन, पता चल गया। फर्स्ट टाइम है वैसे भी, सेकेंड टाइम जो है ईजी लगेगा, पता है कि कहाँ कहाँ पर क्या है, बट फिर भी मुझे नहीं करना भाई। पांग तक का रास्ता ख़राब है, पूरा का पूरा ख़राब है। ऑब्वियसली व्यू तो अमेजिंग था लेकिन यार जब रास्ता सही ना हो तो आप फिर व्यू कैसे इन्जॉय करोगे ना यार। बाइक चलती रहे, ब्लॉगिंग होती रहे तब तो बात भी है। अब बाइक ही नहीं ढंग से चल रही है, कूद कूद के बाइक चल रही है जैसे सच पास के रास्ते में है। बीच में इतनी धूल मिट्टी आई थी, ओ क्या बताऊँ आपको भाई साहब, बहुत ज़्यादा। आई थिंक यही ओप्शी है और यहाँ पे होगा हमारा कोविड एंटीजन टेस्ट प्रॉबेबली। हाँ यहीं पे होगा मेरे ख्याल से। ओप्शी चेक पोस्ट आ गई है। दैट्स वेयर द टेस्ट विल हैपन। काफ़ी रश है आप देख सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है लद्दाख तो मुझे। हम ओप्शी से निकल गए हैं, हमारा एंटीजन टेस्ट नहीं हुआ या I have lost one gloves one time in Kasol and I went back 30 kilometers and I could Kasol, they got, they stole my gloves, man. Oh. This was like a spot, man, for 200 rupees I got at the last place. But I had some rhinos and That's okay. So after 15 after 15 kilometers we'll fill the tank. Okay, I got a gas, yeah, because I'm kind of running on empty now. I got a little bit. I'm also on reserve, 73 kilometers done, another 50 kilometers left. Yeah, yeah. But within 15 kilometers we'll get the petrol pump. Yeah. तो चलो दोस्तों चलें फिर, 15 किलोमीटर में पेट्रोल पंप आ जाएगा, पेट्रोल भी फुल हो जाएगा, एक घंटे में हम पहुँच जाएंगे। नेट नहीं चल रहा है फिर से, चल गया चल गया। ले ओनली 49 किलोमीटर्स। बस अब ले पहुँचेंगे, होटल लेंगे दोनों भाई,
जो मेक्सिको वाले भाई हैं उनसे बात हो गई कि दो बढ़िया मतलब एक ही रूम ले लेंगे, गो विद द फ्लो, फ्लो लाइक अ रिवर। तो अपना ले तक यहाँ तक का सफ़र जो था वो था तो अमेजिंग, पर इट वॉज डैम डिफ़िकल्ट मैन। पेड़ पौधे देखे हुए ज़माना हो गया ऐसा लग रहा है। वाह यार लद्दाख तो बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं दो दो गोप्रो लगा रखे, एक सेल्फी में और एक चिन माउंट। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहुंच गया यार सरचू से यहाँ तक। मतलब आराम से तो क्या पहुँचे, बट फिर भी पूरा दिन लग गया एक तरह से, 10 घंटे होने वाले हैं, 10 घंटे होने में 1 घंटा बाकी है बस। क्या ब्यूटी है, अभी तक पेट्रोल पंप नहीं आया, पता नहीं क्या सीन है। 365 किलोमीटर लिखा था ना पेट्रोल पंप, ले मनाली रोड। चलो कुछ कुछ पेड़ दिखे यहाँ पे मनाली टाइप्स, जो कि ये रहे सामने। ब्यूटी है भाई सच में, क्या बादल है, ऐसे बादल तो देखे हुए जमाना हो गया यार, जमाना। वेलकम टू लेह लद्दाख, वेलकम टू द चैनल। Solo only riders, please follow me on YouTube, Instagram, Facebook पे लिंक मैं नीचे डाल रखा है, वहां से फॉलो कर लेना। पेट्रोल पंप आ गया है, पेट्रोल पंप आ गया गाइस, बोरा पेट्रोल पंप ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वाह क्या बात है, लेह मनाली हाईवे के 365 किलोमीटर हमने पूरे कर लिए हैं। वाह क्या सीन है, तो दोस्तों हम ले पहुंचने वाले हैं, क्या सुंदर लग रहा है यार। यहाँ के तो ऐसा लग रहा है मनाली में आ गए हैं, लेकिन नहीं, ये लेह लद्दाख है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन दोस्तों। चलिए अब होटल पहुंच के ही ब्लॉग बनाएंगे, आज का दिन समाप्त करते हैं। टुडे इज डे 5, नहीं सॉरी डे 6 भी हो सकता है, आज पता नहीं भूल गया मैं। तो जो भी डे आज का दिन ख़त्म होता है, लेह लद्दाख हम पहुंच गए हैं, मतलब और 15 किलोमीटर में, और 15 मिनट में हम अपना होटल देखना स्टार्ट कर देंगे, एंड आई एम श्योर कि होटल मिल ही जाएगा हमें। अब सीन ये है कि मैं अकेला नहीं हूँ, I have a partner who's riding along with me. He's a good rider. He's solo. Uska koi thikana bhi nahi hai. I mean he's like uska koi ghar nahi hai yahan pe India mein.
भी ब्यूटीफुल वो देखिए आप, लेह लद्दाख की वादियों में हम आ गए हैं। ये कोई ट्रैक जा रहा है किसी मंदिर पे ऊपर ना, यहाँ से देख रहे हैं सीढ़ियाँ सी बनी हुई हैं। यार जो भी है आज बहुत थक गया हूँ मैं तो लेह में ही दो दिन रुकूँगा, खरदुंगला चले जाऊँगा मैं, पास ही है 40-50 किलोमीटर है, बस पर पहुँचने वाले हैं। ठीक से आ गए, ठीक से। चलिए होटल मिलते हैं अब सीधा। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो हम अपने होटल में हैं, ये हमारा रूम है, मैंने और मेक्सिको वाले भाई ने शेयर किया है। ये हमारा सामान पड़ा है। क्या आप कॉफ़ी बन रही है यहाँ पे? कुछ इस तरीके का व्यू है रूम से, ये मैं हूँ, तो कॉफ़ी बन रही है अभी, ब्लैक कॉफ़ी, म्यूज़िक चल रहा है अपना। मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद।